हेलो जी, कैसे हो सारे? देखो भाई, आज का क्या प्लान है? आज हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे, और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बिकॉज देखो, थोड़ा सांस ले लूँ मैं। एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं सितारगंज। सितारगंज आपको पता होगा, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यूके में पड़ता है। हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप है उससे इतनी लंबी, वैसे तो छोटी मोटी तो कर रखी है बहुत सारी, बट इतनी लंबी पहली बार है। चलते जल्दी से फटाफट गाड़ी में सामान लोड करते हैं। जी, सामान तो हो गया हमारा लोड। इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़, सब कुछ है, सब कुछ सही है इसका, बट स्पेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। देखो नहीं, अच्छा है बट एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, बट स्पेस तो है। वैसे देखो हमारे इसमें तीन बैग आ गए, एक दो तीन, और छोटे छोटे बैग है। हमने वैसे भी सामान अपना पता डिवाइड किया छोटे बैगों में। देखो अब ये भी सामान देखो यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर हमारा छोटा मोटा सामान हो जाएगा। ठीक है, कैबिन में कुछ नहीं है, कैबिन में हम खाली कैबिन बैग है हमारा, इसको तो हम आगे रखेंगे जिसमें क्विक एक्सेस का सामान होता है। अभी इसमें हमारी CNG भी कम है। देखो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो पहले CNG फिल कराएंगे एंड देन हम चलेंगे। छोटे से स्टॉप पे रुके हम लोग, छोटा सा स्टॉप लिया है, बहुत देर हो गई थी ड्राइव करते हुए। हमने ऑलमोस्ट चला लिए लगभग 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर चलाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक चलता है ना। अब यहाँ से कुछ लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। वैसे अभी हम फिलहाल बहुत करीब है मुरादाबाद से। मुरादाबाद जा रहे थे, वैसे मामा के पास जाना था, बहुत शोर है, जाता हूँ आपको। हमने एक्चुअली जाना चाहता था आपको, हम लोग जा रहे थे मामा जी के पास, बट रास्ते में ना मौसी के घर आता हमारी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक वहाँ ले जाए उसमें, है ना, तो ब्रेक ले रहे हैं। कुछ नहीं मिला खाने को, कैसा मज़ा आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ नहीं मिला खाने को, तो हम एक दूसरे स्टॉप पर रुकेंगे, पर अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मज़ा तो आ रहा है। बाकी इसकी राइड बहुत मज़ा आ रहा है, इसकी राइड में तो बढ़िया है। Few inches later, अभी हमने रुक के थोड़े से क्या लिए, अमरूद लिए। हम ऐसे घर पहुँचने वाले हैं, तो धोएंगे फिर खाएंगे तब घर जाएंगे। चलो चलो जी, अभी तो हम पहुँच चुके हैं मौसी जी घर पे, यहाँ पर है। आज हमारा रुकने का प्लान है यहाँ, एंड देन वील गो टू मामा जी टुमारो, है ना, कल जाएंगे मामा जी के पास, आज तो हम रुकेंगे। अभी फिलहाल टाइम 1 बज रहा है पूरा, तो 1 बजे हम आ गए यहाँ पर। कार इज परफॉर्मिंग ऑसम। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, सारे भाई लोग इधर ही हैं। शाम के 6 बज रहे हैं, तो आप इसको जानते ही होंगे, गाइल्स। गाइल्स अपना डायलॉग बोल दे, मैं ना आपको एक वीडियो दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना उसमें इसका, इसमें छोटा सा है और इसने इतना अच्छा रिव्यू दिया है ना, अपने खेत का, अपने ट्रैक्टर का, अपने क्या बोलते हैं उसको, किसानी का, कैसे कैसे ईंखों को बहाते हैं या बेचते हैं ना। ठीक है, देख लेना। ले 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 ले, कौन लेगा कौन लेगा, गई अंदर, गई गई गई, अरे आ गया। ले 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 ले, देख रहे हो भाई स्किल्स, देख रहे हो स्किल्स, ऐसे आप चढ़ जाओगे ऐसे। बस यार, बच्चों की पतंग की लूट ली, देखो पतंग रेस्क्यू है। और ये हमारा भाई है अभिषेक, आपने इसको, आप इससे बहुत पहले मिले होंगे, बट आजकल ये हमारे साथ रहता नहीं है, क्या करें यार। देखो जी, ये है एक, इसमें आते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, ये वैसे किसी की प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट ठीक है यार, भाई अपनी चीज़ें दिखा रहा है कि जहाँ पर वो लोग खेलते हैं जनरली, और अपने जो काम करते हैं ना, ये सब दिखा रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुरादाबाद, दिस इज़ बिलारी। मुरादाबाद का एक टाउन है बिलारी नाम से, जहाँ पर हम हैं अभी फिलहाल। मौसी जी का घर है हमारा यहाँ पर, गाड़ी यहाँ खड़ी है हमारी, एंड
अभी सुबह के 5 सुबह के 6 बज गए होंगे, अपना कार भी हमारी ऐसे खड़ी हो गई आराम से यहाँ एकदम। अच्छा मंकी मंकी देखो देखो यहाँ पर, तो यहाँ हमें जैसे वहाँ डॉगी घूमते रहते हैं ना, यहाँ मंकी है। नहाने अब नहाने का तैयारी हो रही है, फिर हम निकलेंगे मामा के घर पे, क्योंकि हमारा प्लान कल था जाने का, कल जब से जब घर जा रहे थे, घर जब घर से निकलते थे तो डायरेक्टली जाने का प्लान था, बट मौसी जी घर ना रास्ते में पड़ता है, तो हमने सोचा कि इनके यहाँ भी स्टे लेना चाहिए, इनके यहाँ आए नहीं आज तक। और एक चीज़ और, कल जन्माष्टमी थी, सो उसके लिए यहाँ पर एक ये मंदिर है यहाँ पर। कल पता है आपको लगभग रात के 2 बजे तक यहाँ पर भजन कीर्तन होता, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर एक मंदिर पीछे है, एक मंदिर आगे भी, और हर सुबह सुबह यहाँ पर 5 बजे आरती होती है। आज सुबह भी हुई थी। चलो हो गया आपकी तमन्ना मौसी के घर आने की, भाई मम्मी को बहुत रहता है बेटा मौसी के घर ले जा। One eternity later. चलो जी निकल चुके हैं हम यहाँ से मौसी घर से, अब जा रहे सीधा टूवर्स सितारगंज मामा के घर पे, तो वहाँ पर सिलसिला खत्म। वहाँ का मैंने शूट नहीं किया यार, फैमिली होती है, फैमिली में ना शूट हो नहीं पाता। और अब जैसे जैसे हम अपना नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रहा है, ग्रीनरी बढ़ रही है, पहाड़ तो वैसे भी फिलहाल आने शुरू नहीं हुए, पहाड़ हमारे शुरू होंगे जब हम यूके में एंटर कर जाएंगे। यूके अपना आएगा रुद्रपुर के पास, है ना, रुद्रपुर के पास, रुद्रपुर से यूके स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ बॉर्डर है यूके का, तो वहाँ से यूपी एंड यूके शुरू कर देगी 200। हाँ इसमें पहले से भी लगभग, इसमें 1 किलो करीब पहले से होगी CNG। तो सही यार हाईवे पे ना अच्छा एवरेज दे देती है हमारी टियागो, आपने देखा होगा पहले भी इसका रिव्यू, बट वो रिव्यू था सबसे पहले जब उसका सर्विस वर्विस नहीं हुई थी, तो सब तो इसने 24 का दिया था, बट अब मेरे को लग रहा है इसने 26 से 28 तक का दे दिया होगा आराम से। अच्छी रेंज काफ़ी अच्छी आ रही है, फुल टैंक में 200 प्लस चल रही है, तो लेट्स सी कितना आएगा एवरेज, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, आपको बताऊँगा लास्ट वीडियो में ना, लास्ट में मतलब एंड में बताऊँगा। हमारी बाबू भी आ रही है मेरे साथ में।